हाय गाइस, आपका स्वागत है द न्यूट्रिगल चैनल पे। आज मैं आपको बताने वाली हूँ नोकिया के एक जबरदस्त फोन के बारे में, जिसके ऊपर आपको आज की डेट में एक कमाल की डील मिल रही है। तो फटाफट से मैं आपको बताती हूँ उस फोन के जबरदस्त स्पेक्स, और उसके साथ मैं आपको बताऊंगी कि कैसे ये फोन हमारा आज की डेट में 6-7 हज़ार रुपए में बेस्ट ऑप्शन बन जाता है। सबसे पहले तो जो एक चीज है जो कि सब जानते हैं नोकिया के बारे में, वो ये है कि नोकिया अपनी क्वालिटी के लिए जाना जाता है। मतलब इसके जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे काफी ड्यूरेबल डिवाइसेस होते हैं, और इस फोन के अंदर भी आपको नोकिया का पूरा भरोसा मिलेगा, पूरी क्वालिटी मिलेगी। ये डिवाइस हमारा 6000 एल्यूमिनियम सीरीज से बना हुआ है। बहुत ही सॉलिड ड्यूरेबल डिवाइस है ये हमारा। यूनी मेटल बॉडी का डिवाइस है ये, आप देख सकते हैं। डिवाइस की लुक भी हमारी बहुत ही प्यारी आ रही है। हाथ में होल्ड कराओ अगर आपने इस डिवाइस को, तो आपको काफी सॉलिड डिवाइस लगेगा। और उसके साथ जो ये कॉपर फिनिश आ रही है इसके कॉर्नर्स पे, एजेस पे, वो बहुत ही किलर लुक दे रही है। मतलब मैंने अपने चैनल पे जितने भी फोन्स की अनबॉक्सिंग करी है, उनमें से ये मोस्ट ड्यूरेबल डिवाइसेस में से एक डिवाइस है। आप इसी रेंज के हमारे बाकी के डिवाइसेस को अगर देखेंगे, जैसे कि हमारा Realme C1 है, C2 है, Infinix के डिवाइसेस आते हैं, Redmi के कुछ डिवाइसेस आते हैं, उन सब में हमें प्लास्टिक बॉडी मिलती है। मतलब आप इनमें से किसी भी डिवाइस को यूज करो तो 6-8 महीने या मैक्सिमम 1 साल में तो वो डिवाइस हमारा खराब हो जाएगा। और यहाँ पर ये जो हमारा नोकिया का डिवाइस है, इस पे आप मतलब पूरा भरोसा कर सकते हो, 2-3 साल तक आपका ये डिवाइस कहीं नहीं जाने वाला। मजे से यूज करो आप इस डिवाइस को, मतलब जैसे मर्जी यूज करो, इसके ऊपर आपके स्क्रैचेस नहीं आने। यूनिमेटल बॉडी है, मैट फिनिश है, मतलब इसकी लुक भी हमारी आपके काफी टाइम तक यूज करने में भी ऐसे ही रहेगी। मतलब इसी बात पे अगर हम देखें तो इस डिवाइस से आपके पूरे पैसे वसूल हो जाएंगे। और इसके साथ अगर आपने इसको होल्ड करा हुआ है, तो आपको या आपके किसी फ्रेंड को, मतलब कोई अगर आपके हाथ में इस फोन को देखेगा, तो उसको देखने से ये लगेगा कि आपने 15,000 रुपए के बजट का एक फोन पकड़ा हुआ है। देखने से कोई कह ही नहीं सकता, कोई सोच ही नहीं सकता कि आपने 6-7 हज़ार रुपए का फोन पकड़ा हुआ है। इतनी बढ़िया इसकी लुक और फिनिश आ रही है। और साथ में आप एक और बात पे ध्यान दे सकते हैं कि इसके अंदर हमें मिलता है टाइप सी पोर्ट, जो कि हमें इस बजट में किसी और डिवाइस में नहीं देखने को मिलता। और उसके बाद जैसे कि ये डिवाइस मेरा अभी 1 साल पुराना डिवाइस है, अभी मैंने इसके अंदर एंड्रॉइड पाई अपडेट किया है, और आपका जो एंड्रॉइड क्यू अपडेट है वो भी आपको इसमें जरूर मिलेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये हमारा एंड्रॉइड 1 डिवाइस है। आपको सारे गूगल अपडेट्स, एंड्रॉइड अपडेट्स इस डिवाइस में जरूर मिलेंगे। ये इस डिवाइस को और बढ़िया बना देता है, मतलब आपका डिवाइस 2-3 साल यूज करने में भी अपडेटेड रहेगा बिल्कुल। इसके बाद अगर मैं आपको इस डिवाइस के बॉक्स कंटेंट दिखाऊं, तो सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि हमें इसके अंदर ईयरफोन्स मिलते हैं, मतलब सही क्वालिटी के मिल जाते हैं। बाकी तो इस बजट में कोई हमें ईयरफोन्स देता ही नहीं है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि टाइप सी केबल हमें मिलती है, और साथ में ये है हमारा मेजर हाईलाइट, आपको इस डिवाइस के अंदर मिलता है 18 वॉट का फास्ट चार्जर, बॉक्स के अंदर फास्ट चार्जर, वो भी 18 वॉट का। मतलब मजे से यूज करो डिवाइस को, कोई टेंशन मत लो, फटाफट से ये चार्ज हो जाएगा। मतलब अभी तो मैंने आपको इस डिवाइस के ज्यादा फीचर्स बताए ही नहीं है, मतलब सिर्फ बिल्ड की बात करी है, कुछ पोर्ट्स की बात करी है और फास्ट चार्जर की बात करी है। और अभी ही इसने एक्चुअल में देखा जाए तो पूरा कॉम्पिटिशन खत्म कर दिया अपना 6-7 हज़ार रुपए के बजट में। लेकिन अभी और भी फीचर्स बाकी है, मैं आपको बता रही हूँ ये बेस्ट ऑप्शन है, आप बस सुनते जाइए। अब इसके डिस्प्ले की बात कर लेते हैं। इसके अंदर हमें मिलता है 5.5 इंच का फुल HD रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले, और उसके साथ आपको गोरिल्ला ग्लास की भी प्रोटेक्शन मिलती है इसके डिस्प्ले के ऊपर। साथ ही इसका डिस्प्ले आप देख सकते हैं ब्राइट कलरफुल तो है, इसके साथ आपको इसके अंदर मोड्स भी मिल जाते हैं। तो देखा जाए तो बढ़िया डिस्प्ले मिल रहा है हमें, और शायद ही कोई फोन होगा 6-7 हज़ार रुपए में जिसमें हमें फुल HD रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले मिले। अब इसके बाद इस डिवाइस के अंदर हम कैमरा की बात करें, तो वो तो आपको हैरान कर देगा। इसके अंदर हमें मिलता है कार्ल ज़ीस का कैमरा, मस्त एकदम जबरदस्त कैमरा। अब पिक्स देखो, कुछ कहने की बात ही नहीं उसके। सिंगल कैमरा मिलता है हमें 16 मेगापिक्सल का, लेकिन पिक्स के अंदर आपको डिटेलिंग कितनी बढ़िया मिल रही है आप देख सकते हैं। मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ पिक को, कितनी जबरदस्त डिटेलिंग है, एकदम क्रिस्प फोटोग्राफ आ रही है हमारी इस पिक के अंदर। आप देख सकते हो कितने नेचुरल लुकिंग हमारे कलर्स आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये बूस्ट करके कलर्स को चेंज कर रहा है, बिल्कुल एनहांस नहीं कर रहा है, एकदम नेचुरल एक्यूरेट कलर्स आ रहे हैं। एज डिटेक्शन आप देख सकते हो कितना बढ़िया आ रहा है, मतलब फोरग्राउंड बैकग्राउंड में कितना अच्छा जबरदस्त डिफरेंस आ रहा है। इसके कैमरा की क्वालिटी बहुत ही जबरदस्त है, कार्ल ज़ीस का कैमरा है, कॉम्पिटिशन बचता ही नहीं है। और साथ में ये सेल्फी कैमरा आप देख सकते हैं 8 मेगापिक्सल का, इसके अंदर भी हमें बढ़िया पिक्स मिल जाती हैं, आप डिटेलिंग देख सकते हैं।
आप देख सकते हैं एज डिटेक्शन सेल्फी कैमरा का भी हमारा काफी सही है। तो कैमरा वाइज भी चाहे हम फ्रंट कैमरा देखें बैक कैमरा देखें दोनों कैमरा वाइज भी ये डिवाइस हमारा बढ़िया हो गया। अब इसके प्रोसेसर की बात कर लेते हैं। इस डिवाइस के अंदर हमें मिलता है स्नैपड्रैगन 630 का प्रोसेसर और इसका एंटीटू स्कोर आप देख सकते हैं 89,000 आया है। मतलब 7,000 रुपए के हिसाब से जो इसका 90,000 स्कोर है वो हमारा काफी सही है। आपको इसके अंदर अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाएगी और मैं आपको इसका पबजी रिव्यू गेमिंग रिव्यू भी अभी कुछ ही देर में अपलोड कर दूंगी TNG गेमिंग चैनल पे। मेरे हिसाब से आप इसका गेमिंग रिव्यू देख लें पहले, उसके बाद ही डिवाइस को खरीदें। कोई जल्दबाजी नहीं है, पहले देख लेना टेस्टिंग इसकी, और भी टेस्टिंग कर रही हूँ मैं इसकी, बाकी चैनल्स पे भी आपको मिल जाएंगी। आप पूरी संतुष्टि से इस फोन को लें, बिल्कुल भी कोई टेंशन ना लें। मैं इसकी सारी टेस्टिंग करके आपको फटाफट से देने लगी हूँ। परफॉर्मेंस वाइज भी देखा जाए तो डिवाइस के अंदर आपको अच्छी परफॉर्मेंस मिल रही है और अपडेट्स भी सारे मिल रहे हैं। और साथ में कमी की बात करूं तो इस डिवाइस में एक कमी जरूर आती है जो कि नोकिया के डिवाइसेस पे हमें मिलती है कि हमें इसके अंदर मिलता है हाइब्रिड स्लॉट। तो आपको चूज करना पड़ेगा कि आपको दो सिम कार्ड डालने हैं या एक सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड डालना है। ये एक छोटी सी कमी आ जाती है इस डिवाइस के अंदर, पर बाकी देखा जाए तो ये हमारा इस बजट के अंदर 6-7 हज़ार रुपए के बजट में एक धांसू ऑप्शन बन जाता है। और ये डिवाइस हमारा नोकिया का 6.1, ये पहले हमारा 17,000 रुपए का डिवाइस था, उसके बाद 13,000 रुपए का इसका प्राइस हुआ और अभी ये आपको सीधा सीधा 7,000 रुपए में मिल रहा है। इतना ही नहीं बल्कि आपको इस डिवाइस के ऊपर 10% कार्ड डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो कुल लगा के ये डिवाइस आपको सिर्फ 6,300 रुपए में मिल जाएगा। इसका खरीदने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है, आप उस लिंक को जाके देख सकते हैं ये, और उसके साथ इसकी टेस्टिंग भी देख लें। और अगर आपको एक बढ़िया डिवाइस लेना है 6-7 हज़ार रुपए के बजट में तो मेरे हिसाब से इससे बढ़िया कोई ऑप्शन नहीं है, फटाफट से ले लो कहीं आउट ऑफ स्टॉक ना हो जाए। सो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मैं जल्द वापस आऊंगी आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। सो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।